I am Advocate Priyaranjan Kumar, welcomes you in my new video. And this video is based on election petition. Election petition is covered under Representation of People Act 1951, RPA 1951, which was passed by Parliament of India. दोस्तों, election petition का मतलब क्या होता है? चुनाव याचिका. और हम चुनाव याचिका कहां दायर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कौन कौन से लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. और मुझे लगता है इसके बारे में हर किसी को जानकारी होना चाहिए. आजकल मतदान चल रहे हैं और हम सबका भागीदारी इसमें होना जरूरी है. एक चुनाव लोकतंत्र में त्योहार की तरह मनाया जाता है, तो इस त्योहार में हम सबका भागीदारी बराबर बराबर का होना चाहिए. चलिए हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्शन पिटीशन. सबसे पहले समझते हैं इलेक्शन पिटीशन होता क्या है. तो इलेक्शन पिटीशन इज अ प्रोसीजर फॉर इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट. कहने का मतलब यह है, चुनाव याचिका हम तब दायर कर सकते हैं जब कोई इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हो और वो एम्बिगियस हो, बायस्ड हो और उसमें कुछ कमी हो, और जो विनर कैंडिडेट हो उनके अगेंस्ट में हम चुनाव याचिका, दैट इज इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं. सवाल यह है कि इलेक्शन पिटीशन कहां फाइल होती है, व्हाट इज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इलेक्शन पिटीशन. आंसर इज हाई कोर्ट. इट मींस व्हाट, वी कैन फाइल इलेक्शन पिटीशन इन हाई कोर्ट. अगला सवाल है हमारा, कौन कौन से लोग इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं. तो दो लोग कर सकते हैं, एक जो खुद कैंडिडेट रहा हो, कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो, वो कर सकते हैं इलेक्शन पिटीशन फाइल, या दूसरा जो मतदाता हो उस इलेक्टोरल का, इलेक्टोरल ही कैंडिडेट एज वेल एज इलेक्टोरल कैन फाइल इलेक्शन पिटीशन इन हाई कोर्ट. अब सवाल यह है कि कितने समय के अंदर इलेक्शन पिटीशन को फाइल किया जा सकता है. तो जवाब है 45 डेज. और ये 45 डेज कब से काउंट होगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. तो हमने तीन बातें जानी, पहला कि इलेक्शन पिटीशन क्या होती है, दूसरा इलेक्शन पिटीशन कहां फाइल होगा, तीसरा हमने जाना कि इलेक्शन पिटीशन कौन कौन से लोग फाइल कर सकते हैं, और चौथा इसकी लिमिटेशन पीरियड क्या होती है, और वो 45 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. अब अगला सवाल है दोस्तों कि इलेक्शन पिटीशन किस ग्राउंड पे फाइल किया जा सकता है. तो जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, उसमें सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 100 एंड 101 कवर्स द ग्राउंड ऑफ इलेक्शन पिटीशन. इट मे बी वन और मोर ग्राउंड्स. अब इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्शन पिटीशन कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा कि ग्राउंड आपके एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और वो सारे ग्राउंड आरपीए एक्ट 1951 के सेक्शन 100 एंड 101 के सब सेक्शन 1 में दिए गए हैं. अब अगला सवाल है कि व्हाट इज द करप्ट प्रैक्टिसेस. ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो माल प्रैक्टिस करके, करप्ट प्रैक्टिसेस करके वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और विन भी कर जाते हैं. तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ रूल प्रिस्क्राइब करती है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, और रूल को कई बार सभी लोग आम भाषा में जानते होंगे कि आचार संहिता क्या होती है. उन सब में लिखा होता है गाइडलाइंस, कि कौन कौन से गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो कैंडिडेट को फॉलो करने हैं, और कौन कौन से रूल आम आदमी को फॉलो करने हैं. तो जो मेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो कुछ इस तरह से है. पहला, कि कोई भी आदमी, कोई भी कैंडिडेट जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो, वह ब्राइब नहीं कर सकता. मतलब यह है कि इलेक्शन कंटेस्ट करते समय अपने खुद या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से किसी भी आदमी को गिफ्ट्स के रूप में, पैसे के रूप में, थिंग्स के रूप में किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, किसी तरह का लोभ लालच नहीं दे सकता. वो वादे तो कर सकते हैं लेकिन उसका मतलब आपको एक गुड्स में नहीं होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं होना चाहिए. ये माल प्रैक्टिस होता है, करप्ट प्रैक्टिस होता है, और ये ग्राउंड होता है आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए. मतलब जो भी कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं, उसको इस बात का ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए कि खुद वो कैंडिडेट या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, ना तो इस तरह का प्रैक्टिस करे जैसे पैसे बांटना,
या गिफ्ट देना, इस तरह के उनको प्रैक्टिस नहीं करना। दूसरा ग्राउंड है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब किसको डराना धमकाना नहीं है कि भाई मुझे वोट देना है, उसको वोट नहीं देना है, मतलब आप किसी भी वोट को जाति पर नहीं बांट सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्शन के डे पर आज हिंदू वोट करेंगे या सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, माइनॉरिटी वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट करता हुआ पकड़ा जाता है या इसकी शिकायत होती है और ये साबित हुई तो वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो जीतने के बाद भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बाई फाइलिंग इलेक्शन पिटीशन। और इसके अगला ग्राउंड क्या हो सकते हैं, तो आप किसी को इलेक्शन के डे के दिन कोई नोटिस नहीं कर सकते, मतलब बता नहीं सकते, कोई साइन दिखा कर नहीं ये वोट करना है, कन्वेंस के यूज नहीं कर सकते कि आपको उठाकर ले जाना है। देखो एक तरह से ना ये कुछ बातें एक हद तक सही होती है, जैसे कि एक डिसेबल्ड पर्सन है, वो चल नहीं सकता, अंधा है, वो अपने आप नहीं जा सकता, तो आप उसको असिस्ट कर सकते हो, ले जा सकते हो, ले जा सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप घर घर जाओ, गाड़ी में कहो कि बैठो और चलो मैं आपको बोल रहा हूँ वोट देने के लिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये करप्ट प्रैक्टिस होता है और ये ग्राउंड बनता है आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट करता है तो आप उसको इलेक्शन कमीशन में शिकायत करके, इलेक्शन पिटीशन फाइल करके उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि ये शिकायत जो है वो कहां कहां आप कर सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तीसरी बात क्या है इसमें कि कोई भी ऐसा आप गाड़ी को हायर नहीं कर सकते और परमानेंट नहीं रह सकते इलेक्शन कैंपेन के लिए। जैसे कि कोई गाड़ी है, आप उसे ये नहीं बोल सकते कि आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी सिर्फ हमारी ही इलेक्शन कैंपेनिंग करेगी, मेरे ये ही ये कैंपेन करेंगे और किसी के लिए नहीं करेगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप इलेक्शन में कोई भी वाहन को हायर करेंगे तो ये सेक्शन 130 में कवर होता है और इसकी शिकायत की जा सकती है, परमानेंट भी नहीं कर सकते आप कैंपेनिंग। अगला है कि आप किसी को वोट देने से नहीं रोक सकते, बिकॉज वोटिंग इज अ लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। हर एक इंडिविजुअल के पास अपना एक लीगल राइट होता है वोट करने का। अगर आप किसी को कंस्ट्रेंट करते हैं, कोई इंफ्रिंज होता है आपके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा या आपके द्वारा, तो ये करप्ट प्रैक्टिस है और इट इज द ग्राउंड टू डिस्क्वालीफाई। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। कहां कहां कर सकते हैं, तो पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आप ऐसे चीजों का शिकायत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, वो कहां कहां कर सकते हैं। नंबर एक नियर पुलिस स्टेशन, सेकेंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, थर्ड वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, फोर्थ एक नया ऐप आया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ईवीसेज करके, मैं उसका लिंक अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आगे बात करते हैं कि इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैंडिडेट और के रिप्रेजेंटेटिव ही इस तरह का मिसकंडक्ट करें और करप्ट प्रैक्टिस करें, हो सकता है या कई लोग गवर्नमेंट सर्वेंट भी करते हैं, मतलब जो भी इलेक्शन बूथ पे काम कर रहा है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कमीशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट हुआ है, वो इंडिविजुअल वो पर्सन वो बूथ कैप्चरिंग में मदद नहीं करेगा। दूसरी बात, वो किसी को इंस्टिगेट नहीं करेगा कि आपको इसको ही वोट देना है। तो बूथ कैप्चरिंग इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस अंडर द RPA एक्ट एज वेल एज IPC। आगे बात करते हैं किसी को धमकी देना, ये कहना है कि तुम्हें इसको वोट देना है तो हम तुमको जान से मार देंगे, ये भी आपको कवर होता है IPC में और RPA एक्ट में। अगर आप किसी वाहन का यूज कर रहे हैं, उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो ये तीन एक्ट में कवर होता है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी कवर होगा, RPA एक्ट में भी होगा और IPC में भी कवर होता है। आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसकी शिकायत आप नियर पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आप कमीशन ऑफ इंडिया कर सकते हैं, या फिर आप जब कंटेस्टिंग होंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में आप कब हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। नंबर एक बात यह है कि जैसे कि आप इलेक्शन कंटेस्ट किए तो क्या होता है, इलेक्शन जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद एक डेट होता है रिजल्ट का, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का, उस दिन वहां एक RO ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं उसे, उस दिन वोटों की काउंटिंग होती है। तो कई बार क्या होता है, एक कैंडिडेट 1000 वोटों से
1000 वोटर से वो आगे बढ़ने लगता है, 500 वोट से आगे हो गया तो आगे आकर वो ढोल बजाने लगते हैं कि जी हम जीत गए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो आगे आकर ढोल बजाने लगते हैं और बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि वो कुछ वोटों से पीछे रह गए और वो हार गए 100-200 वोटों से। तो आपको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, ये एम्बैरेसिंग भी होता है कुछ समय के लिए। आप जब तक विनर डिक्लेयर ना हो जाओ तब तक आप इलेक्शन काउंटिंग बूथ के पास वहीं रहो, और जब तक आपको रिटर्निंग ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट नहीं दे देता है विनर का तब तक आप वहां से ना हो। जब रिटर्निंग ऑफिसर आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि यू हैव क्वालिफाइड, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आप विनर हैं, तभी आप आए और आगे अपना काम करें। अगला यह है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल है, सही मायने में एक तरह से नेक्स्ट टू गॉड है ये। जब कोई कैंडिडेट, वो चाहे निर्दलीय हो या किसी पार्टी से हो, जब अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो अपने फॉर्म भरते समय एक एफिडेविट भी फाइल करता है। एफिडेविट में वो छोटी छोटी अपनी जानकारी देता है, बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वो पहले ऐसा नहीं था, प्रायर टू 1961 होता क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑफिसर अपॉइंट करती थी प्रोबेशन बेसिस पे, जो वो इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट जज होता था। फिर उसमें एक फॉर्म भरे जाते थे और उसको नॉमिनेट कर दिया जाता था, उसको एक सिंबल दे दिया जाता था और वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट कहा जाता था। लेकिन धीरे 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 ये चीजें इलोबरेट हुई है, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हुई है, और इसमें बहुत ज्यादा योगदान हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। कई सारे केसेस आए इसमें 1960 के बाद। पहला केस मुझे याद है 1964 में डाला था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हर एक कैंडिडेट को जानने का अधिकार है कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, पर्सनल डिटेल्स क्या है, वो जानना चाहिए और ये उसको डिस्क्लोज करना होगा बाय वे ऑफ एफिडेविट। तो उसके बाद से फॉर्म के साथ, ये फॉर्म क्या होती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने गजटेड नोटिफिकेशन में एक फॉर्म को प्रेस्क्राइब करती है, जिसमें उसको अपना बेसिक डिटेल्स भरना होता है, जिससे कि नाम, फादर नेम, सेक्स, ये सारी चीजें भरना होता है। उसके बाद से वो एक हलफनामा, दैट इज एफिडेविट, में अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं और सपोर्टेड बाय फॉर्म होता है। जो फॉर्म में लिखा है वो एफिडेविट में होना चाहिए और आगे भी दे सकते हैं, उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। तो इसमें कोई कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म में या किसी तरह के एफिडेविट में कोई भी चीज कंसील की है, छिपाई है, कंसील करने मतलब छिपाई है, झूठ बोला है, तो ये भी एक ग्राउंड है आपको डिस्क्वालीफाई करने का। और इस पे आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करके आप उस विनर कैंडिडेट को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ, ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस रहे हैं, कई सारे इस पे केस हैं, जिसमें कई बार ऐसा हुआ, ऐसे मद्रास हाईकोर्ट का केसेस है कि एक कैंडिडेट ने फॉर्म में अपना सेक्स लिखना भूल गया। माफ कीजिएगा, वो लेडी थी, उनका नाम कुछ रेखा, मान लो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेखा नाम की एक लेडी ने, कंटेस्टिंग कैंडिडेट थी, उसने अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया और अपने फॉर्म में सारी चीजें सही लिखी, उनके एफिडेविट भी सब कुछ सही थे, बस उन्होंने सेक्स लिखना भूल गया, वो मेल है या फीमेल ये लिखना भूल गई। और इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर वो बाय वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट गई, तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जब उसका फोटो लगा हुआ है, नाम दिख रहा है, वो फीमेल है, तो ये कोई सब्सटेंशियल मिस्टेक नहीं है, एंड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स कैन नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। और उसका डिस्क्वालिफिकेशन जो था उसको सस्पेंड कर दिया गया, वो रिस्टोर कर लिया गया और फिर से वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट बनी थी। और भी ऐसे कई ऐसे करनामे हैं, मतलब यूं समझ लो आप दोस्तों कि जो इलेक्शन पिटीशन है वो अपने आप में बहुत ज्यादा टेक्निकल है। टेक्निकल कैसे है कि अगर मान लो आपने फॉर्म फिलअप किए, उस पर साइन किए और एफिडेविट भी साइन किए और नोटराइज भी हुआ, वो सब कुछ हुआ, प्रॉपर पेजिंग ना हुआ या कहीं एक जगह पे साइन अधूरा रह गया, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है आपको डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, आरओ के पास, तो आप खुद पर्सनल वहां जाए, आप किसी कलर को मत भेजिए, और वो जा भी नहीं सकते क्योंकि वो रियल टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है, वो वेरीफाई करते हैं आपको इन पर्सन। तो आप खुद जा सकते हैं या अपने एडवोकेट के साथ जा सकते हैं, दो से ज्यादा आदमी नहीं जा सकते, बाकी आपके समर्थक जा सकते हैं लेकिन वो बाहर ही रहेंगे।
फिर 24 घंटे के अंदर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट होती है, जो भी आरओ होगा उस डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज करेगा क्या सही है क्या गलत है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट देगा यस यू आर क्वालिफाइड टू कंटेस्ट या डिस्क्वालीफाई कर देगा। लेकिन डिस्क्वालीफाई कई बार सो कॉज नोटिस के वजह से होता है, वो आपको पहले प्रायर नोटिस देंगे कि ये कमी है, बताओ आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए। उस नोटिस को जवाब देने के लिए भी आपके पास 48 आवर्स या 24 आवर्स का समय होता है, आप उसे जवाब दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी इलेक्शन फॉर्म नॉमिनेशन के लिए फाइल कीजिए तो तीन फेज में कीजिए, 1, 2, 3। इलेक्शन के एक दिन पहले भी आप रखो कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन के डे या इलेक्शन के एक दिन पहले आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो आप पहले से तैयार करके रखो ताकि आपको दिया जा सके। रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने कहा कि वो नेक्स्ट टू गॉड होता है, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसकी कोई अपील नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर एक बार कैंडिडेट को अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया तो उसकी कोई अपील नहीं है, वो हाईकोर्ट नहीं जा सकते। हाँ ये है कि आप उनकी शिकायत आप या फिर उनके अगेंस्ट में आप अपील एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर सकते हैं और वो रिव्यू दोबारा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद गड़बड़ हो गया तो आप इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल कर सकते उनके अगेंस्ट में। हमारे सामने जीता जागता लाइव एग्जांपल है तेज बहादुर का, बनारस में आप सब जानते हैं। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू गॉड है इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से वो एस्टैब्लिश्ड हुई है, तो दैट इज सुपीरियर। तो पहला जुरिडिक्शन जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो हाईकोर्ट बनती है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट 329B में जा सकते हैं, ये सेक्शन है आजकल। हालांकि टेक्निकली देखा है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसे, लेकिन करते हैं। आप अभी देखोगे कई सारे आपके पास लाइव एग्जांपल होंगे इसके बारे में। चलिए हम आगे बात करते हैं कि बूथ कैप्चरिंग से लेकर पोलिंग एजेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, व्हीकल्स, अनडिफ्लेंस फोर्स, किसी को वोट देने से रोकना, ये सब चीजें पनिशेबल ऑफेंस है अंडर आरपीए एक्ट एज वेल एज आईपीसी एंड इन व्यू ऑफ द इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन टाइम। इसी के सीक्वेंस में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट स्टेचुटरी प्रोविजंस ड्यूरिंग इलेक्शन कवरिंग वेरियस ऑफेंस। पहला ऑफेंस यह है हेट स्पीच देना। कोई भी कैंडिडेट अगर हेट स्पीच देता है किसी रिलीजन बेस पे, किसी एक रिलीजन को लेकर वो हेट स्पीच देता है, दूसरे रिलीजन को गाली देता है, नफरत फैलाता है उसके स्पीच से, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं, अगर उसका कोई इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव है अगर वो भी हेट स्पीच देता है, कैंपेनिंग करता है हेट स्पीच देकर, तो वह ऑफेंस है और ये कवर होता है सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट एज वेल एज सेक्शन 153A एंड 500 सब सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी। अगर कोई भी कैंडिडेट हेट स्पीच करता है तो आप उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप अपना पावर को एक्सरसाइज करते हुए उस कैंडिडेट को 48 आवर्स के लिए बैन कर सकती है, वो अगले 48 आवर्स तक के लिए वो अपना कैंपेनिंग नहीं कर पाएगा। दूसरी ये बात है कि अगर कोई कैंडिडेट पे रिस्ट्रिक्शन लग गया कि आप 48 आवर्स तक कैंपेनिंग नहीं करोगे, आपने एग्जांपल में देखा होगा अभी बहुत सारे नेताओं पे हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं पे हुए हैं, इसमें नाम लेना जरूरी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो वो अगर 48 आवर्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि फ्रॉम दीज डेज टू दीज डेज, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम यू आर नॉट परमिटेड टू कंपेनिंग योर पार्टी, तो अगर उसके बीच में अगर वो कैंपेन करते हैं तो क्या होगा, आप उसकी शिकायत कर देंगे तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो पहली बात यह होगी कि हेट स्पीच अगर देंगे तो आप उनकी शिकायत पुलिस स्टेशन में एफआईआर करा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं, और जब भी आप इलेक्शन कमीशन में शिकायत करो लिखित में करो, तो जब कभी भी आप कंप्लेन करें आरओ के पास पुलिस स्टेशन में, तो उसका एक रिसीविंग कॉपी जरूर अपने पास ले, ताकि अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है इलेक्शन कमीशन, तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सके और ये आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा बात है कि अगर कोई एग्जिट पोल को लेकर भ्रम फैला रहा हो तो इट इज ऑल्सो ऑफेंस अंडर 126 ऑफ आरपीए एक्ट, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। थर्ड है कि अगर कोई पब्लिक मीटिंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहा है जगह जगह पर मिलकर, नाइट मतलब लेट नाइट कर रहा है, इट इज ऑल्सो ऑफेंस एंड इट इज कवर्ड अंडर आरपीए एक्ट सेक्शन 127। अगला है ऑफेंस कंसर्निंग व्हीकल्स। मैंने आपको पहले अभी बताया था कुछ समय पहले, व्हीकल से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 133 सेक्शन 133 इसको कवर करेगा। अगला ऑफेंस है कंसर्निंग ऑफिसर या पर्सन इंडिविजुअल्स या पर्सन इन्वॉल्व इन इलेक्शन ड्यूटी। कोई भी पर्सन अगर इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व है तो सीक्रेसी का ख्याल रखेगा। सीक्रेसी कहने का मतलब क्या है कि अगर वोट किसको पड़ रहे हैं, कितना पड़ रहा है, इसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता पब्लिकली, इसको सीक्रेसी बोलते हैं। अगर वो सीक्रेसी को डिस्क्लोज करता है, इसको अगर डिसओबे करता है तो उसके अगेंस्ट एफआईआर की जा सकती है, उसकी रिपोर्ट की जा सकती है एंड वो एफआईआर या कंप्लेंट अंडर सेक्शन 121 ऑफ आरपी एक्ट होगा। नेक्स्ट है अगर कोई फर्दर प्रोस्पेक्टस करता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट उसको प्रमोट करता है किसी पार्टी को इलेक्शन डे के दिन, तो वो भी ऑफेंस है और ऑफेंस कवर होता है अंडर सेक्शन 134A में। अगला है एट और नियर पोलिंग स्टेशन ऑन द डेट ऑफ पोल्स। जिस दिन दोस्तों इलेक्शन पोलिंग हो रही है उस दिन कोई कन्वेंसिंग नहीं कर सकता, सोलिसिटिंग नहीं कर सकता, प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, एक्सिबिटिंग एनी नोटिस और साइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वह ऑफेंस है अंडर सेक्शन 131 ऑफ आरपी एक्ट। डिसोबीडियंस ऑफ लॉफुल डायरेक्शन, जो आचार संहिता होती है उसको डिसोबीडियंस नहीं करना, अगर कर रहे हैं तो वह कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए पुलिस स्टेशन या इलेक्शन कमीशन में अंडर सेक्शन 132 ऑफ आरपी एक्ट। अगला है अगेंस्ट कैरिंग ऑफ आर्म्स। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आर्म लाइसेंस होल्डर है तो इलेक्शन कैंपेनिंग में ही नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन का कि आपको अपने आर्म्स को पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट कराना है, इलेक्शन के डे से पहले कराना होता है और इलेक्शन के बाद ही आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा नहीं किया कोई अगर अपने आर्म्स डिपॉजिट नहीं करता, इट इज ऑल्सो ऑफेंस एंड इट कवर्स सेक्शन 134B ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अगला है टेम्परिंग ऑफ ईवीएम्स और बैलेट पेपर। आजकल तो बैलेट पेपर चलता नहीं है, तो अगर कोई ईवीएम को टेम्पर कर रहा है या टेम्परिंग करने की कोशिश कर रहा है और आपके पास सफिशियंट एविडेंस है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं अंडर सेक्शन 135 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और शिकायत आप कई तरीके से कर सकते हैं, पुलिस में कर सकते हैं, वेबसाइट से, इलेक्शन कमीशन को जाकर, आरओ को, और ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बता दिया। अगला है डिफेंस और डिस्ट्रॉय, किस तरह का अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करें, इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 136 ऑफ आरपीए। अगला है पेड होलीडे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना चाहिए कि अगर इलेक्शन डे के दिन कोई आपको ऑफर करता है कि हम आपको पेड होलीडे करेंगे, हम आपको केदारनाथ या मॉरिशस इस दिन को भेजेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको होलीडे एक्सपेंड करने जाना है, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में भी कंप्लेन रजिस्टर होगा और वो 135B सेक्शन 135B ऑफ आरपीए कवर करता है इसे, तो पेड होलीडे भी मना है इसमें। थ्रेट अंड इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, प्रिंट और पब्लिक विदाउट नेम एंड एड्रेस। तो कोई भी कैंडिडेट जब अपना पैम्पलेट और कोई साइन बोर्ड यूज करता है तो उसके नीचे प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस होना चाहिए, कितना प्रिंट हुई है कॉपीज, ये होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक अपना क्राइटेरिया है कि आप इलेक्शन में इतना पैसा ही खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए आसानी हो इसलिए लिखना जरूरी है। अगर मान लो कोई कैंडिडेट ये डिस्क्लोज नहीं करता है कि कितना प्रिंट कराया या कहां से प्रिंट कराया, तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बनता है। यू कैन मेक कंप्लेंट, यू कैन रजिस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट हिम इन पुलिस स्टेशन एज वेल एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन राइटिंग। तो आप क्या करोगे, उसकी फोटो खींचोगे और उसके आगे प्रोसीडिंग आपको पता है या मैं बाद में बता दूंगा। अगला है अदर ऑफेंस, जैसे फॉल्स एफिडेविट देना, हमने पहले बात कर लिया है, फॉल्स डिक्लेरेशन देना, ये सब चीजें कवर होता है और ये सब ग्राउंड है किसी भी इलेक्शन इलेक्टेड कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। वेयर टू फाइल कंप्लेंट, कंप्लेन आप फिर से मैं एक बार बताता हूँ, तीन जगह फाइल कर सकते हैं। नंबर वन इन पुलिस स्टेशन, नंबर दो इलेक्शन कमीशन, नंबर तीन थ्रू वेबसाइट और एंड्रॉयड और आईओएस ऐप। ये जो ऐप है उसका यूज कैसे कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम है सीवीजी, CVIGIL, कैप्स में लिखेंगे ऐप आ जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल है, फोटो और वीडियोज का ऑप्शन आएंगे, आप अगर फोटो है तो फोटो खींचकर डाल दीजिए और अपने डिटेल्स डालिए, वीडियो है तो वीडियो डालकर डिटेल्स भेजिए। और इस ऐप की खास बात क्या है कि वो प्रायर टू 90 मिनट्स
आपको इंटीमेट किया जाएगा 90 मिनट से पहले पहले आपके शिकायत पे क्या एक्शन हुआ है, रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब कभी भी आप कोई भी शिकायत करते हैं, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इलेक्शन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, और भी बातें, जैसे कि आप कोई भी शिकायत कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल या कैंडिडेट या अदर कंप्लेंट कर रहे हो किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो वो राइटिंग में कीजिए और उसका आप प्रोसीडिंग जरूर लीजिए, ये आपको लिटिगेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था वीडियो इलेक्शन पिटीशन पे, और आपको सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।